दोस्तों, मैं इस्माइल खान। आज के इस वीडियो में मैं आपको गीज़र असेंबली के बारे में बताऊंगा। गीज़र असेंबली जो इसका मेन टैंक है उसी में फिट की जाती है। ये हमारी वो असेंबली है, गीज़र असेंबली, जिसमें सारे पार्ट्स फिट होते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें दो पानी के आने और जाने का रास्ता है। जिस रास्ते से पानी जाता है वो हमारा वाटर इनलेट है, और इनलेट के पाइप को आप देख रहे हैं कि पानी इस रास्ते से जाता है, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं यू शेप का ये बना हुआ है, इस जगह से पानी निकलता है। तो जो पानी आएगा हमारे इस टैंक में वो इस जगह से आता है, और जब ये पानी गर्म हो जाता है तो गर्म पानी के लिए जो वाटर आउटलेट है, पानी जब हमारा इस टैंक में हीट हो जाता है तो गर्म पानी इस काफ़ी हाइट से नीचे की तरफ आता है, यानी लगभग इतनी लेवल तक का पानी इस टैंक में हमेशा भरा होता है। ये पानी यहाँ तक इसलिए भरा होता है क्योंकि हमारा ये हीटिंग एलिमेंट है वो भी इसी असेंबली में फिट होता है, और ये हीटिंग एलिमेंट की जो हाइट होती है वो लगभग यहाँ तक आ रही है, ये यहाँ तक भी आ सकती है, लेकिन इसकी हाइट से ऊपर तक का पानी का लेवल मेंटेन रखना होता है, वरना ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो पानी का आउटलेट होता है वो ऊपर से लेते हैं, और यहाँ से ये पानी आता है और इस जगह से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इस असेंबली में, जैसा कि आप देख रहे हैं, वाटर का इनलेट है, वाटर का आउटलेट है, और इसी असेंबली में हमारा ये हीटिंग एलिमेंट भी फिट होता है। इसी असेंबली में इस पानी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो थर्मोस्टेट होता है उसके लिए भी आप देख रहे हैं ये दो जगह बनी हुई, एक जगह ये है, एक जगह ये है। इन दोनों से थर्मोस्टेट का जो इसका थर्मल बल्ब है वो काफ़ी अंदर तक यहाँ तक आता है, और ये दूसरे वाले का भी थर्मल बल्ब यहाँ तक आता है, और ये ऊपर से सील होता है। तो कुल मिला के इसमें आप एक पाइप देख रहे हैं वाटर इनलेट की है, और एक पाइप आप देख रहे हैं वाटर आउटलेट की है, जबकि ये दोनों पाइप जो कि ऊपर से सील कर दी गई है ये हमारे थर्मोस्टेट के थर्मल बल्ब के लिए है, ताकि वो इसके अंदर रहे और यहाँ के टेम्परेचर, यहाँ जो सराउंडिंग में पानी का टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर के हिसाब से ये सेंस करता है, और बाहर से ये इसके सप्लाई को आना है या सप्लाई को ब्रेक होना है उस हिसाब से ये काम करता रहता है। इसके अलावा इस असेंबली में हम एक चीज़ और देख रहे हैं, वो ये है, इसका काम ये होता है कि जब कभी हमारा हीटिंग एलिमेंट काम कर रहा हो और जो हमारा थर्मोस्टेट है वो ना काम करे, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी एक्सेस हो जाए, तो एक्सेस टेम्परेचर से जब यहाँ पर स्टीम बनती है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है टैंक के अंदर, और उस वजह से टैंक पे कोई नुकसान ना हो तो ये हमारा सेफ्टी वाल्व यहाँ से फट जाता है, और इसके फटने की वजह से जो पानी इसके अंदर होता है वो यहाँ से बाहर की तरफ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों जगह हमारे थर्मोस्टेट की है, और जो कि यह हमारा थर्मोस्टेट एक है, यह हमारा दूसरा थर्मोस्टेट है। दोनों थर्मोस्टेट के ये थर्मल बल्ब हैं जो कि अंदर पानी के पास रहते हैं, और ये असेंबली में कुछ इस तरह से फिट होते हैं। ये यहाँ फिट इसके अंदर चला जाता है, और दूसरा थर्मोस्टेट कुछ इस जगह चला जाता है। इसको स्मूथली अपनी जगह हम भेज देते हैं, और ये भी देखिए कि ये जो असेंबली में ये जो जगह है यहाँ एक लॉक लगा हुआ है, इसमें भी, और इस हीटिंग थर्मोस्टेट में यहाँ पर भी एक लॉक लगा हुआ है, इस थर्मोस्टेट का यहाँ लॉक लगा हुआ है। इसको जब हम यहाँ प्रेस करते हैं तो ये इस पर आराम से इस तरह से बैठ जाता है, इसी तरह से इसको जब प्रेस करते हैं तो ये अपनी जगह बैठ जाता है, इसमें कोई स्क्रू नहीं होता, ये इस तरह से अपनी जगह बैठ जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि दोनों थर्मोस्टेट के जो थर्मल बल्ब हैं, एक का इसमें आ गया और एक का इसमें आ गया, जब यहाँ पानी गर्म होता है तो उस पानी के टेम्परेचर को सेंस करके एक थर्मोस्टेट अपना काम करता है, अगर एक फेल होता है तो दूसरा वाला काम करता है। इस तरह से हमारे थर्मोस्टेट का थर्मल बल्ब भी पानी के अंदर इस असेंबली के ज़रिए से लगा हुआ है, और इसी असेंबली के ज़रिए से पानी का इनलेट भी है और पानी का आउटलेट भी है। इस असेंबली को गीज़र के टैंक में किस तरह से फिट करते हैं इसको समझते हैं। देखिए, इसमें होल होते हैं और ये इनमें मार्क किया हुआ होता है किस कौन सा होल किस जगह रहेगा, ताकि वाटर इनलेट और आउटलेट के जो पाइप हैं
वो सही डायरेक्शन में आ जाए। और इसमें अंदर की तरफ देख रहे हैं एक रबर की गैस्किट होती है जो प्रॉपरली इसके सरफेस पर टच कर जानी चाहिए, वरना पानी के लीकेज की चांसेस हो जाती हैं। और इसको सिस्टमेटिक एक एक नट यहाँ पर बैठा लेंगे और सब में प्रॉपरली वाशर भी लगा देंगे। ये स्टील का टैंक होता है जो मेन टैंक है, और ये भी हमारी जो गीज़र असेंबली, ये भी स्टील की है। इसमें 6 नट और बोल्ट लगे होते हैं टाइट करने के लिए, और 3 बोल्ट होते हैं इसका जो हीटिंग एलिमेंट है उसको टाइट करने के लिए। तो पहले हम इसकी जो गीज़र असेंबली के जो 6 नट हैं इनको सिस्टमेटिक आमने सामने से इस तरह से टाइट करते हैं कि ये प्रॉपरली अपनी जगह बैठे, लीकेज ना हो। इसके बाद इसमें देख रहे हैं आप 3 होल हैं हमारे हीटिंग एलिमेंट में, और इसमें 3 जो बोल्ट दिखाई दे रहे हैं, इन 3 बोल्टों में प्रॉपरली हम बैठा लेंगे। इसमें भी देखिए रबर का एक वो गैस्किट लगी हुई है, वाशर टाइप, ये इसलिए है क्योंकि पानी यहाँ से लीकेज नहीं होना चाहिए, ये नीचे की तरफ रहता है। और 3 नट इसका भी हम आराम से इसमें बैठा देंगे और इतना टाइट करेंगे कि यहाँ से पानी के लीकेज की कोई भी चांस ना रहे, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो ये बाद में ख़राब कर देता है पूरे सिस्टम को, पानी गिरेगा। प्रॉपरली इसको टाइट करेंगे अच्छी तरह से, और ये गीज़र असेंबली में ही फिट होता है हमारा जो हीटिंग एलिमेंट है। इसी असेंबली में, जैसा कि अभी आपको बताया कि इसमें हमारा जो थर्मोस्टेट है दोनों, वो भी इसी में फिट होता है। तो गीज़र असेंबली के 6 नट को टाइट करने के बाद जो 3 नट हैं हमारे हीटिंग एलिमेंट के, उनको भी प्रॉपरली हम टाइट कर लेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इलेक्ट्रिक गीज़र से रिलेटेड और भी तमाम वीडियोस हैं हमारे, जिनको आप देखिए, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। असेंबली फिट होने के बाद इसके कवर को हम बैठा लेते हैं और फिर थर्मोस्टेट को इसकी अपनी जगह पर फिट कर देते हैं। उम्मीद है आपको गीज़र असेंबली की फ़िटिंग समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।